मैं हूँ आपके साथ मेघा। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम बीबी रिव्यू, जहाँ पर आपसे बात होगी फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के रिव्यू पर। एज यू ऑल नो, सीजन 13 का अंत हो चुका है, बावजूद इसके जो बस है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला ट्रॉफी लेकर अपने घर जा चुके हैं, सारे कंटेस्टेंट्स लगातार इंटरव्यू देने में बिजी हैं। इंटरव्यू के जरिए लगातार एक से बढ़कर एक खुलासे किए जा रहे हैं और इन सब के बीच में शहनाज गिल बिग बॉस की विनर बन सकती थी। शहनाज में वो स्पार्क था, वो पोटेंशियल था कि वो बिग बॉस की विनर बन सकती थी, लेकिन उन्हें जानबूझकर नहीं बनाया गया। इस पूरे मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया क्या कहता है, उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं किस तरह से ट्रॉफी तो शहनाज हार गई, लेकिन शहनाज को जनता का प्यार मिला है। जनता का प्यार जो सबसे ज्यादा कीमती है, और इन्हीं सब की बदौलत शहनाज को मिला है मुझसे शादी करोगी शो। इसके प्रीमियर के दौरान शहनाज पारस के साथ एक अलग ही अंदाज में नजर आई, और वो अंदाज क्या था देखिए जरा। बिग बॉस की ट्रॉफी शहनाज गिल नहीं जीत पाई, लेकिन लोगों का दिल पंजाब की कटरीना कैफ ने पूरी तरह से जीत लिया है। ये बात आप सब जानते हैं किस तरह से शहनाज को लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। पंजाब की कटरीना कैफ ने कलर्स टीवी का एक और शो मुझसे शादी करोगी अपने नाम कर लिया, जहां कटरीना कैफ शहनाज गिल अपना दूल्हा ढूंढेंगी। बता दे आपको, जहां एक तरफ इस शो में शहनाज गिल पारस छाबड़ा के साथ नजर आने वाली हैं, इस शो में शहनाज गिल पारस छाबड़ा के साथ आप सभी को अपना हमसफर ढूंढती हुई नजर आने वाली हैं। वहीं अभी फिलहाल इस शो का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है, जिसे लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। हम आपके सामने एक एक्सक्लूसिव वीडियो पेश करने जा रहे हैं, जहां अपने शो का प्रमोशन करते हुए पारस छाबड़ा शहनाज गिल के साथ नजर आए हैं। बिग बॉस की ट्रॉफी हार जाने के बाद शहनाज गिल किस तरह से पारस छाबड़ा के साथ अपने शो का प्रमोशन करती हुई अपने शो के प्रीमियर पर नजर आई, आप भी देखिए ये एक्सक्लूसिव वीडियो। आबरा का डाबरा, मैं हूँ पारस छाबड़ा। ओह, ये तो सुना था। वंस मोर। आबरा का डाबरा, मैं हूँ पारस छाबड़ा। पारस भाई यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे। लो लो लो, जल्दी लो। हो गया? ओके। एक बार यहाँ पे करेंगे। ठीक है। पारस भाई यहाँ पे देखिए। घंटा पी किसी को चाहिए। अरे हीरा भाई पी लो। एकदम पारस भाई इधर भी। एक मिनट यार। Center.
तो शहनाज गिल तो काफी ज्यादा खुश हैं। एक तरफ वो कहती हैं सिद्धार्थ जीता मैं जीती एक ही बात है, और दूसरी तरफ कलर्स का ही बड़ा शो उन्हें मिल गया है, अब और क्या चाहिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब आपसे चर्चा करते हैं आसिम रियाज के बारे में। आसिम बिग बॉस के टॉप टू में पहुंचे, फर्स्ट रनर अप रहे, और आसिम रियाज फिलहाल क्या कुछ कहते हैं, आसिम को लेकर जनता क्या कह रही है, आसिम की हार पर जनता का खून किस तरह से उबल रहा है, लेकिन आसिम खुद क्या कह रहे हैं इस हार पर, कौन सी बड़ी अचीवमेंट्स आसिम का इंतजार कर रही हैं, देखिए जरा। बता दें आपको, आसिम रियाज का नाम फिलहाल हर जगह सुनाई पड़ रहा है। बिग बॉस हार जाने के बाद भी आसिम ने लोगों का दिल जीता। बिग बॉस हार जाने के बाद भी आसिम ने लोगों को ढेर सारा एंटरटेन किया है, और इन सबके बीच में ये आसिम रियाज लोगों के लिए विनर नंबर वन बन गए हैं। सोचा भी नहीं था किसी ने कि जम्मू कश्मीर का एक आम लड़का इतना ज्यादा आगे चला जाएगा। कल्पना भी नहीं की थी किसी ने कि एक आम लड़का इतनी ज्यादा कामयाबी की ऊंचाइयों को छू जाएगा, लेकिन वो सब कुछ आसिम रियाज ने किया है। अब इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से आसिम रियाज हर जगह पर छा गए हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से आसिम लोगों का दिल जीत रहे हैं। बता दें आपको, एक बेहद स्पेशल वीडियो आसिम का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बेहद स्पेशल वीडियो में वो जनता पर प्यार लुटाते हुए, जनता को थैंक यू कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस बेहद स्पेशल वीडियो में आसिम रियाज लोगों को कह रहे हैं कि आपने जो प्यार मुझे दिया उसके लिए ढेर सारा शुक्रिया। आसिम के इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद ही लोगों ने जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं, चलिए आपको बताते हैं। लोगों का कहना है कि आसिम रियाज अगर बिग बॉस की ट्रॉफी अपने साथ लेकर नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं। लोगों का कहना है कि उनके लिए आसिम असली विनर हैं। आसिम रियाज उनके लिए बिग बॉस सीजन 13 के ट्रू विनर हैं। बता दे आपको, आसिम जो कि बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने में नाकामयाब रहे, फिलहाल टीवी इंडस्ट्री के भी कई सितारे ऐसे हैं जो उन्हें ही विनर कह रहे हैं। टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे ऐसे हैं जो उन्हें बिग बॉस का ट्रू विनर मान कर बैठे हैं, और बार बार कह रहे हैं कि बिग बॉस का विनर सिर्फ एक ही है, और वो है आसिम रियाज। किसी ने सच ही कहा है, ट्रॉफी जीतने से ज्यादा जरूरी है सीजन को जीतना, शो को जीतना। इस सीजन को, इस शो को पूरी तरह से आसिम ने जीत लिया है। पूरी तरह से आसिम ने इस शो को, इस सीजन को अपने नाम कर लिया है, और इसीलिए फिलहाल हर कोई कह रहा है हैशटैग आसिम स्टिल अ विनर, हैशटैग आसिम रियाज स्टिल अ विनर। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? क्या बिग बॉस पर सवाल उठाए जाने सही है? आप क्या सोचते हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें बताना बिल्कुल ना भूले। सो गाइस, बीबी रिव्यू में आज के लिए इतना ही। क्या आपको भी लगता है शुक्ला जी पर मेकर ज्यादा मेहरबान हो गए? क्या आपको भी लगता है आसिम शहनाज के साथ ज्यादती हो गई है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बीबी रिव्यू में आज के लिए इतना ही। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप आवर शो। वी विल मीट यू गाइस सून, बट टिल देन स्टे ट्यून्ड टू अस एंड स्टे अपडेटेड।